हाँ, तो आपके चैप्टर 5 SST का टेस्ट था, तो उसमें क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बड़े एक सेलेक्ट किया मैंने। पहला, डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग लिखना है आपको। हिंदी में डेमोक्रेसी के 3 मीनिंग में लिखवाई थी आपको, तीनों आपको लिखना है। फिर एक लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन बंस के अनुसार, ये भी 1 मार्क्स का है। लोकतंत्र की सफलता के लिए 2 आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी, इसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। और फिर अगला है चौथा, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, राइट द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 2 नंबर का है ये। और लोकतंत्र के गुण, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कोई 8 लिखने हैं आप 3 मार्क्स का। और लोकतंत्र के दोष, डी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कोई 8, एनी 8, ठीक है, ये 3 नंबर का है। और डेमोक्रेसी का शब्द ग्रीक भाषा के किन 2 शब्दों के संयोग से बना है, विच वर्ड्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज आर कंबाइंड इन द वर्ड डेमोक्रेसी, 1 मार्क्स में। स्टार्टिंग में आपको जब थ्योरी लिखवाई थी उसमें ये दोनों लिखवाई थे वर्ड, उनका आपको लिखना है, 1 मार्क्स का है। फिर अपने एक बात करती पार्लियामेंट रूल और प्रेसिडेंट रूल, यानी कि संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन, दोनों में किन किन देशों में है, अपने जो बात करी थी उन दोनों देशों के 8 और 9 दोनों में एक एक एग्जाम्पल, उन देशों के नाम लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां है, मिल के शब्दों में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मिल, जो मिल ने डेफिनेशन लिखाई थी डेमोक्रेसी की, मैंने आपको एक क्वेश्चन के आंसर के बीच में लिखवाई थी वो वाली डेफिनेशन लिखनी है 1 मार्क्स में। लोवेल के अनुसार लोकतंत्र, डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू लोवेल, वो भी 1 मार्क्स में। और लास्ट 12वां है, लोकतंत्र के 3 अंतः संबंधित अर्थ निहित है वो लिखना, जो स्टार्टिंग में अपन बात करी थी, इन डेमोक्रेसी कंटेंस 3 रिलेटेड मीनिंग्स, जो स्टार्टिंग में बात की थी क्वेश्चन जब चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर 3 मीनिंग अपने लिखे थे, ठीक है, 2 मार्क्स का ये। तो इस तरीके से ये 20 नंबर का आपके टेस्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।